अध्याय 5 देवी उमा का हिमवान के हृदय तथा मैना के गर्भ में आना, गर्भ अवस्था देवी का देवताओं द्वारा स्तवन, उनका दिव्य रूप में प्रादुर्भाव, माता मैना से बातचीत तथा नवजात कन्या के रूप में परिवर्तित होना। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, तदनंतर मैना और हिमालय आदर पूर्वक देव कार्य की सिद्धि के लिए कन्या प्राप्ति हेतु वहाँ जगत जननी भगवती उमा का चिंतन करने लगी, जो प्रसन्न होने पर संपूर्ण अविष्ट वस्तुओं को देने वाली हैं। वे महेश्वरी उमा अपने पूर्ण अंश से गिरिराज हिमवान के चित्त में प्रविष्ट हुई। इससे उनके शरीर में अपूर्व एवं सुंदर प्रभाव उतर आए। वे आनंद मग्न हो अत्यंत प्रकाशित होने लगे। उस अद्भुत तेजो राशि से संपन्न महामाना हिमालय अग्नि के समान अदृश्य हो गए। तत्पश्चात सुंदर कल्याणकारी समय में गिरिराज हिमालय ने अपनी प्रिया मैना के उदर में शिवा के उत्तम परिपूर्ण अंश का आधान किया। इस तरह गिरिराज की पत्नी मैना ने हिमवान के हृदय में विराजमान करुणा निधान देवी की कृपा से सुखदायक गर्भ धारण किया। संपूर्ण जगत की निवास भूता देवी के गर्भ में आने से गिरिराज प्रिया मैना सदा तेजो मंडल के बीच स्थित होकर अधिक शोभा पाने लगी। अपनी प्रिया शोभांगी मैना को देखकर गिरिराज हिमवान बड़ी प्रसन्नता का अनुभव करने लगे। गर्भ में माँ जगदम्बा के आ जाने से वे महान तेज से संपन्न हो गई थी। मुने, उस अवसर में श्री विष्णु आदि देवता और मुनियों ने वहां आकर गर्भ में निवास करने वाली देवी शिवा की स्तुति की और तदनंतर महेश्वरी की नाना प्रकार से स्तुति करके प्रसन्नचित्त हुए। वे सब देवता अपने अपने धाम को चले गए। जब नवा महीना बीत गया और दसवा भी पूरा हो चला, तब जगदम्बा कालिका ने समय पूर्ण होने पर गर्भस्थ शिशु की जो गति होती है उसी को धारण किया, अर्थात जन्म ले लिया। उस समय अवसर पर अधाशक्ति सती साध्वी शिवा पहले मैना के सामने ही अपने रूप में प्रकट हुई। वसंत ऋतु में चैत्र मास की नवमी तिथि को मृगशिरा नक्षत्र में आधी रात के समय चंद्रमंडल से आकाश गंगा की भांति मैना ने उदर देवी से शिवा का ही अपने रूप में प्रादुर्भाव हुआ। उस समय संपूर्ण संसार में प्रसन्नता छा गई। अनुकूल हवा चलने लगी जो सुंदर सुगंधित एवं गंभीर थी। उस समय जल की वर्षा के साथ फूलों की वृष्टि हुई। भगवान विष्णु आदि सब देवता वहां आ गए। सब ने सुखी होकर प्रसन्नता के साथ माँ जगदम्बा के दर्शन किए और शिवलोक में निवास करने वाली दिव्य रूपा महामाया शिव कामिनी मंगलमयी कालिका माता का स्तवन किया। हे नारद, जब देवता लोग स्तुति करके चले गए, तब मैना उस समय प्रकट हुई नील कमल दल के समान कांति वाली श्याम वर्णा देवी को देखकर अतिशय आनंद का अनुभव करने लगी। देवी के उस दिव्य रूप का दर्शन करके गिरिराज प्रिया मैना को ज्ञान प्राप्त हो गया। वे उन्हें परमेश्वरी समझकर अत्यंत हर्ष से उल्लासित हो उठी और संतोष पूर्वक बोली। मैना ने कहा, जगदम्बे महेश्वरी, आपने बड़ी कृपा की जो मेरे सामने प्रकट हुई। अंबिके, आपकी बड़ी शोभा हो रही है। शिवे, आप संपूर्ण शक्तियों में आधा शक्ति हैं, तीनों लोकों की जननी हैं। देवी, आप भगवान शिव को सदा ही प्रिय हैं तथा संपूर्ण देवताओं से प्रशंसित पराशक्ति हैं। महेश्वरी, आप कृपा करें और इसी रूप में मेरे ध्यान में स्थित हो जाए, साथ ही मेरी पुत्री के अनुरूप प्रत्यक्ष दर्शनीय रूप धारण करें। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, पर्वत पत्नी मैना की यह बात सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुई देवी शिवा ने उस गिरी प्रिया को इस प्रकार उत्तर दिया। देवी बोली, मैना, तुमने पहले तत्परता पूर्वक मेरी बड़ी सेवा की थी। उस समय तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हो मैं वर देने के लिए तुम्हारे निकट आई। वर मांगो, मेरी इस वाणी को सुनकर तुमने जो वर मांगा वह इस प्रकार है। महादेवी, आप मेरी पुत्री हो जाए और देवताओं का हित साधन करें। तब मैंने तथास्तु कहकर तुम्हें सादर वर दे दिया था और मैं अपने धाम को चली गई। गिरिजा कामिनी,
उस वर के अनुसार समय पाकर आज मैं तुम्हारी पुत्री हो गई हूँ। आज मैंने जो दिव्य रूप का दर्शन कराया है इसका उद्देश्य इतना ही है, तुम्हें मेरे स्वरूप का स्मरण हो जाए, अन्यथा मनुष्य रूप में प्रकट होने पर मेरे विषय में तुम अनजान ही बनी रहती। अब तुम दोनों दंपत्ति पुत्री भाव से अथवा दिव्य भाव से मेरा निरंतर चिंतन करते हुए मुझ में स्नेह रखो, इससे मेरी उत्तम गति प्राप्त होगी। मैं पृथ्वी पर अद्भुत लीला करके देवताओं का कार्य सिद्ध करूंगी, भगवान शंभु की पत्नी होंगी और सज्जनों का संकट से उद्धार करूंगी। ऐसा कहकर जगत माता शिवा चुप हो गई और उसी क्षण माता के देखते देखते प्रसन्नता पूर्वक नवजात पुत्री के रूप में परिवर्तित हो गई। अध्याय 6 देवी पार्वती का नामकरण और विद्या अध्ययन। महर्षि नारद का हिमवान के यहाँ जाना, देवी पार्वती का हाथ देखकर भावी फल बताना। चिंतित हुए हिमवान को आश्वासन दे देवी पार्वती का विवाह भगवान शंकर के साथ करने को कहना और उनके संदेह का निवारण करना। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, मैना के सामने महातेजस्विनी कन्या होकर लौकिक गति का आश्रय ले वह रोने लगी। उसका मनोहर रुदन सुनकर घर की सब स्त्रियां हर्ष से खिल उठी और वेग से प्रसन्नता पूर्वक वहां आ पहुंची। नील कवल दल के समान श्याम कांति वाली उस समय परम तेजस्विनी और मनोरम कन्या को देखकर गिरिराज हिमालय अतिशय आनंद में निमग्न हो गए। तदन अंतर सुंदर मुहूर्त में मुनियों के साथ हिमवान ने अपनी पुत्री के काली आदि सुखदायक नाम रखे। देवी शिवा गिरिराज के भवन में दिनों दिन बढ़ने लगी, ठीक उसी तरह जैसे वर्षा के जल में गंगा जी की जलराशि और शरद ऋतु के शुक्ल पक्ष में चांदनी बढ़ती है। सुशीलता आदि गुणों से संयुक्त तथा बंधु जनों की प्यारी उस कन्या को कुटुंब के लोग अपने कुल के अनुरूप पार्वती नाम से पुकारने लगे। माता ने कालिका को उमा अरि तपस्या मत कर कहकर तप करने से रोका था। मुने इसलिए वह सुंदर मुख वाली गिरिजा नंदिनी आगे चलकर लोक में उमा के नाम से विख्यात हो गई। महर्षि नारद तदन अंतर जब विद्या के उपदेश का समय आया तब देवी शिवा अपने चित्त को एकाग्र करके बड़ी प्रसन्नता के साथ श्रेष्ठ गुरु से विद्या पढ़ने लगी। पूर्व जन्म की सारी विद्याएं उन्हें उसी तरह प्राप्त हो गई जैसे शरद काल में हंसों की पात अपने आप स्वर गंगा के तट पर पहुंच जाती है और रात्रि में अपना प्रकाश स्वतः महाऔषधियों को प्राप्त हो जाता है। मुने इस प्रकार मैंने शिवा की एक लीला का वर्णन किया है, अब एक अन्य लीला का वर्णन करूंगा, ध्यान देकर सुनो। एक समय की बात है जब तुम भगवान शिव की प्रेरणा से प्रसन्नता पूर्वक हिमाचल के घर गए। मुने तुम शिव तत्व के ज्ञाता और उनकी लीला के जानकारों में श्रेष्ठ हो। हे नारद, गिरिराज हिमालय ने तुम्हें घर पर आया देखकर तुम्हें प्रणाम किया और तुम्हारी पूजा की, अपनी पुत्री को बुलाकर तुम्हारे चरणों में प्रणाम करवाया। मुनीश्वर फिर स्वयं ही तुम्हें नमस्कार करके हिमाचल ने अपने सौभाग्य की सराहना की और अत्यंत मस्तक झुकाकर हाथ जोड़कर तुमसे कहा। हिमालय बोले, हे मुने नारद, ब्रह्मपुत्रों में श्रेष्ठ ज्ञानवान प्रभु आप सर्वज्ञ हैं और कृपा पूर्वक दूसरों के उपकार में लगे रहते हैं। मेरी पुत्री की जन्म कुंडली में जो गुण दोष हो उसे बताइए, मेरी बेटी किसकी सौभाग्यवती प्रिया पत्नी होगी। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, मुनिश्रेष्ठ तुम बातचीत में कुशल और कौतिकी तो हो ही, गिरिराज हिमालय के ऐसा कहने पर तुमने कालिका का हाथ देखा, उनके संपूर्ण अंगों पर विशेष रूप से दृष्टिपात करके हिमालय ने इस प्रकार कहना आरंभ किया। श्री नारद जी बोले, शैलराज और मैना आपकी यह पुत्री चंद्रमा की आदि कला के समान बड़ी है, समस्त शुभ लक्षण इसके अंगों की शोभा पाते हैं, यह अपने पति के अत्यंत सुखदायिनी होगी और माता पिता की भी कीर्ति बढ़ाएगी। संसार की समस्त नारियों में यह परम साध्वी
और स्वजनों को सदा महान आनंद देने वाली होगी। गिरिराज, तुम्हारी पुत्री के हाथ में सब उत्तम लक्षण विद्यमान है, केवल एक रेखा विलक्षण है, उसका यथार्थ फल सुनो। इसे ऐसा प्रतीत होता है जो योगी नंग धड़ंग रहने वाला निर्गुण और निष्काम होगा,